गजब बाबा माइक ऊपर कर दें जिससे पुनः कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। हेलो 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 बड़े
सुंदर सी व्यवस्था की गई है। महामाई के दरबार में सभी भक्तजनों को पुनः एक बार फिर से चरणों में नमन है, वंदन है। जय जय। जैसा आदेश हुआ है, ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं सीधे महामाई के दरबार में। चूंकि कहा गया है कल से जब तक माँ की कृपा नहीं होती है हम बच्चे कुछ बोल नहीं पाते हैं। बिल्कुल, चाहे जन्म देने वाली माँ हो या धरती माँ हो या स्वयं माँ बीड़ा वादिनी। जय जय। पुनः सभी देवी स्वरूपा माताएं एवं बहनों का हृदय से नमन करता हूँ और महामाई के दरबार में चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा। कैसे के सरगम सुधारस ये सरसाव सरस्वती मां ये सरगम सुधारस सरसाव सरस्वती मां सरल साहित्य सार दे सार दीजिए सगुण शब्द सुंदर सर सिरो सम सुशोभित हो स्वयं साकार स्वर श्रृंगार कीजिए। कहते हैं कैसे के दीप में सूर्य सा तेज नहीं होता, होंठ हो बंद दिल खामोश नहीं होता, देने को तो प्यार जमाने में लाख दे कोई लेकिन बिमाना दे प्यार तो संतोष नहीं होता है। आओ भैया, महामाई के दरबार में एक छोटी सी याचना इससे पहले सभी लोगों से निवेदन है कि प्यारा सा दरबार महामाई का सजा हुआ है। इस प्रांगण में महामाई के दरबार में सबको ये अवसर नहीं मिलता है आने का। और क्या, अगर सब 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 लोग यहाँ पर सभी भक्त जन उपस्थित हुए हैं तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महामाई के दरबार में एक बार जोरदार से जयकारा लगा दें, जिससे मालूम पड़े कि मैया के दरबार में कुछ हो रहा है। और क्या, प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय, आदि शक्ति महामाया की जय। अब जान पड़ा है और क्या कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। चलते हैं महामाई के दरबार में छोटी सी याचना लेकर, और ये याचना केवल हम कलाकारों की नहीं बल्कि ये जो भक्तगण उपस्थित हैं और क्या सबकी आराधना है महामाई के दरबार में। कहना है कि मैया के दरबार में कभी कोई निराश नहीं गया है, आपकी महिमा कण कण में विराजमान है, इसलिए सभी भक्त आपसे निवेदन करते हैं माँ, और आपकी महिमा का बखान करते हैं। चूंकि आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो कहना पड़ा कि तुम आत्मा में परम
फातिमा में तुम हो, समा में माई तुम चंद्रमा में तुम हो, रमा में तुम हो, उमा में तुम हो, धरा में माई तुम आसमा में तुम आसमा कहना है आपसे माँ साधना साधना हमारी माँ साधना तुम्हारी साधना माँ साधना हो साधना तुम्हारी साधना तुम्हारी और साधना माँ साधना हो साधना तुम्हारी करती है, सबका भंडार भरने वाली है, सब पे उपकार करने वाली है, इसलिए कहना पड़ा माँ से माँ वरदानी को ही नहीं बल्कि
हमारे परम पूजने चंचल जी के भी कंठ में विराजमान हो जाओ और दोनों कलाकारों को सफल बना दो मां। महारानी हो महारानी स्वर सर कम की कहती हो माता रानी की कृपा से ही हम सारे बच्चे गा रहे हैं। और क्या, चूंकि इस पावन नवरात्रि में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, बस माँ की कृपा है तो हम कलाकारों का साथ दे रहे हैं। और क्या, और हम कलाकार गा रहे हैं। माँ वंदना मेरी वंदना तुम्हारी हो वंदना हमारी। हे मैया माँ, ये आपकी वंदना निरंतर चलती रहे, इसमें कोई रुकावट ना हो। वंदना तुम्हारी हो वंदना हमारी, साधना साधना हो साधना। अंतिम पंक्तियां है माँ के चरणों में और कहना है वाह अच्छे बच्चे सीटी नहीं मारते बल्कि मोबाइल बजाते हैं। भक्त चरण में हम सारे भक्त आपके चरणों में आए हैं। भक्त चरण में मैया तेरे सर धारे करते हैं अरदास तेरे द्वारे कहना है मगर्जना हो ये मगर्जना भक्तों की है माँ, तुम्हें तो केवल गर्जना है। और क्या, गर्जना हमारी है गर्जना तुम्हारी, साधना मसाधना हो साधना तुम्हारी।
दरबार की जय। आदि शक्ति महामाया की जय। चलते हैं प्रथम गीत की ओर। और क्या प्रथम पाली में कुछ समय ज्यादा लग जाता है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। बिल्कुल आसान सा महामाई के दरबार में एक छोटा सा गीत। चूंकि ये महामाई का पावन दरबार है, माँ का सुंदर सा स्वरूप प्रत्यक्ष आप लोगों के सम्मुख मात दिखाई पड़ रही है। सुनते हैं एक गीत के माध्यम से। कौन सा ये? अरे अरे, बड़ा ही अमूल्य आशीर्वाद रामकरण सिंह चौहान जी आपके कर कमलों द्वारा ये 101 पद मुद्राएं बहुमूल्य आशीर्वाद हम बच्चों के लिए प्रदान हुआ है। महामाई हमेशा इनके अंग संग रहे। एक गीत बजा। कौन सा? सुने सुने। ला पिला दे ये साकिया छल के जा सा और सम्माने चंचल जी गीत को सुने। जिस समय हिमालय ने आदिशक्ति महामाया माँ भवानी की आराधना की, महामाई विराट रूप में प्रकट हुई, हिमालय को दर्शन दिए। माँ का इतना विराट रूप जब हिमालय ने देखा तो माँ के किन किन अंगों में क्या क्या नजर आ रहा है सुनिएगा। नियत के खेल निराले ये है।
रात्रि में सभा बटे नियत के खेल निराले नव सृजन करे महारात्रि में नव शक्ति पाए मानो नव शक्ति पाए मानो नव रूपों से नव रात्रि समान रात्रि नहीं होती है सुने सुने और नौ शक्ति पाए मानो नौ रूपों से नौ रात्रि सुने प्रथम बात सुने के अंबर मस्तक है ये अपना सोनो यहाँ पर सभी विद्वान जन बैठे हुए हैं इतना प्रबुद्ध समाज बैठा हुआ है जातु है नेत्र चंद्र दिवा करे कान मा की दिशाए वेद पाणी चरा चरे विश्व हृदय समाए जय हो मुख जन लोक कहाए जय हो। वैसे तो 14 लोक होते हैं चंचल जी सुने सुने विश्व हृदय समाए जय हो मुख जन लोक कहाए जय हो पाताल नाभि तो ग्रीवा महर लोक कहाए कैसे और के नौ निधियों की दाती बस एक बच्चा काल रात्रि में काल रात्रि यानी ब्रह्मा की रात जिसमें सारा संसार विलय हो गया केवल नारायण ही बचे वो रात्रि काल रात्रि कही गई है समझते रहिए निधियों की दाती बस एक बच्चा काल रात्रि में नौ शक्ति पाए मानो नौ रूपों से नौ रात और इसी तरह जैसे नाड़ियों में नदियां वृक्ष केश अस्थि पर्वत माला दिखाई पड़ा भौहे दिन व रात के रूप में बहुत कुछ
माँ के अंगों में नजर आने आ रहा है। और क्या हिमालय ने देखा, अगली पंक्ति सुने कैसे? नवधा भक्ति को पाए, नवधा भक्ति को पाए, यानी नौ प्रकार की भक्तियां मिली। और क्या? नवधा भक्ति को पाए जो पूजे ब्रह्म रात्रि में, नौ शक्ति मानो पाए, नौ रूपों से नौराए, महामाई के दरबार में प्रस्तुत है। कैसे? प्रबुद्ध समाज बैठा हुआ है। और क्या? आचार्य जी बैठे हुए हैं, महामाई का दरबार सजा हुआ है। बिल्कुल बेटे, सुने सुने के दुर्गम संहारे, संघार किया माने उनका एक नाम पड़ा दुर्गम संघारे, माँ दुर्गा भवानी, दुख दीन दहरती दुर्गमोह भवानी, दुर्गम विद्या को देती दुर्ग भामा, जय हो दुर्गमता दूर करती सत भामा। तो कहना पड़ा कैसे के दुर्गा की उर मिले, अर्चना मंगला रात्रि में, नौ दुर्गा की ओर में, अर्चना मंगला रात्रि में, नौ शक्ति पाए मानो, नौ रूपों से नौ हाथ उठाकर महामाई का जयकारा लगा दें। प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय। आइए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे परम पूजनीय संचालक महोदय मिश्रा जी को। धन्यवाद। इसके पूर्व कुछ पुरस्कार हैं और ये आदरणीय मिश्रा जी के चरणों में नमन करता हूँ। ये इंटर कॉलेज के प्रवक्ता भी हैं, आचार्य संजय कुमार मिश्र जी, आपकी ओर से ये सभी कलाकारों के लिए
51 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। जय हो। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। जय जय। सभी भक्त जनों से धन्यवाद धन्यवाद। अरे एक बार जोरदार तालियां हमारे संचालक महोदय के लिए आप लोग बजा दें। धन्यवाद। तब तक मिलते हैं हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। ज्यादा हो ही जाता है और उतना ही समय हमारे अशोक चंचल जी के लिए भी होगा। इसी क्रम में हमारे रघुवंश पुरम में जो बाल मंदिर इंटर कॉलेज चल रहा है उनके प्रबंधक महोदय माननीय श्री राकेश त्रिवेदी जी के द्वारा 5100 पुस्तकाएं पहले कमेटी में दी गई और 2100 पुस्तकाएं इस समय जो प्रोग्राम चल रहा है कार्यक्रम जवाबी कीर्तन का उसमें सहयोग किया है। इस तरह से 7100 पुस्तकाओं का सहयोग और साथ में भंडारे के लिए एक टीन रिफंड भी दिया है। कोट कोट साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद त्रिवेदी जी को। और जब भी कोई भी अनुष्ठान श्यामनगर खंबापुर में हुआ है आपके द्वारा सहयोग अनुवरण प्रदान हुआ है, सौभाग्य की बात है। और दूसरे क्रम में हमारे अशोक चंचल जी, मैं अशोक चंचल जी को आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपना प्रथम चक्र पूर्ण करें। इसके पश्चात ही 30-30 मिनट दोनों पार्टियों को रहेगा। 30 मिनट में अपना सवाल करें और जवाब दें। धन्यवाद। रेडी रेडी फॉर एक्शन। हेलो। सर्वप्रथम आज अष्टम रात्रि में माता के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय सम्मानी आर के त्रिवेदी जी, उनको हृदय से नमन एवं वंदन है। साथ में हमारे आदरणीय पुत्तन मिश्र जी भी पधारे हुए हैं, उनके साथ में और भी सभी साथी हैं। सभी साथियों का हृदय से वंदन एवं नमन है। और आदरणीय जन समुदाय आपको भी हृदय से नमन एवं वंदन है। सीता सुमिरी दुर्गा स्वरूपिणी हमारी माताओं बहनों को भी हृदय से नमन वंदन है। आज के सहयोगी कलाकार हमारे भैया हिंदुस्तानी जी को फतेहपुर की धरती में बहुत बहुत धन्यवाद है पधारने का आपके, और बड़े प्रयास से आप मिले भी हैं हमसे। मिश्रा जी बता रहे थे बहुत प्रयास से मिले हैं। और देखिए एक बंधन और है मेरा, उनके साथ में एक रचनाकार पधारे हुए हैं जो कलम के सशक्त हस्ताक्षर हैं सम्मानी हमारे त्रिवेदी जी को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज इस रात्रि के इन गीतों की तुलना करने के लिए निर्णायक कमेटी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुझे उम्मीद है कि आप निष्पक्ष निर्णय करेंगे। एक बार तालियां हो जाएं, एक बार तालियां हो जाएं। धन्यवाद। तो लीजिए ज्यादा समय न लेते हुए बहुत सूक्ष्म समय में मंगलाचरण है और तत्पश्चात आपकी सेवा में तुरंत बहुत जल्दी जल्दी कार्यक्रम मिलने चला जाएगा। धन्यवाद है। चलो बेटा शुरू।
नरेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, प्रजापिता ब्रह्मदेव की जय, उमा महादेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, बोलो धरती माता की जय, बोलो गौ माता की जय, बोलो अपनी माता की जय, श्यावर राम चंद्र की जय, आज के आनंद की जय, श्रोता जनों की जय, जो सुदृढ़ संचालन कर रहे हैं आदरणीय संजय मिश्र जी की ओर से चारों कलाकारों को 51-51 मुद्राओं का ये आशीर्वाद प्रदान हुआ है। लीजिए, उधार का काम नहीं होगा, सब लोग नगद रखिए। लीजिए लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कपित जम्बू फल चार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि शम प्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय मां जय मां जय मां जय या देवी सर्वभूतेषु नित्यारूपेण
शक्ति रूपेण ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः हरियो 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 क्रम बचन बद्ध हो रि मैया कर जा कंठ निवास हरिओ हरिओ एक बार प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। और हम अपने ऑपरेटर महोदय से, हमारे बहुत ही अच्छे ऑपरेटर हैं जिनकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है, आपसे अनुरोध है कि ये माइक को व्यवस्थित कर दीजिए तो हम खड़े होके गा लेंगे। क्या बात है, जो हमारे ये भक्त आरसीसी रोड में खड़े हुए हैं, कृपया उनसे करबद्ध निवेदन है आगे आ जाएं, कुर्सियां पड़ी हुई हैं, अगर आगे आ जाएंगे पंडाल में दो कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाएगी। जो खड़े होकर देख रहे हैं जितनी देर इच्छा हो बैठकर सुने, बड़ा आनंद आएगा। दोनों पार्टियां बड़े मेहनत से बुलाई गई हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है जो बाहर खड़े हुए हैं कृपया पंडाल पर आ जाएं। देखो Thank you.
हेलो 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 प्रांगण में आए हुए सभी महान भावों का हृदय से स्वागत है। और अभी हमारे मिश्रा जी कह रहे थे कि जो लोग माताएं माता जी आप बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं जाइए नहीं जाइए नहीं जाइए नहीं। हाँ ले हम तो गलत बोल गए, आपको बैठाने के लिए कहा चली जा रही है, क्या बात है। आज ये माँ का आठवां दिन है और देखिए वास्तव में हर जगह कार्यक्रम चल रहे हैं और जनपद का ये पहला कार्यक्रम है कि इस प्रांगण में आज जवाबी कीर्तन हो रही है। यद्यपि फतेहपुर के अंदर बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक जवाबी का पहला कार्यक्रम चल रहा है। तो लीजिए, क्योंकि समय बहुत निकल गया लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि बहुत जल्दी मैं अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया मैंने, लेकिन कहना है कि कद्रता के कद्रदानों कद्रदानी आपकी और सेवा का अवसर दिया ये मेहरबानी आपकी। नहीं साहित्य है सुंदर वही प्रस्तुत है आपके, टूटे फूटे शब्द जो सेवा में अर्पित आपके। न शैली संगठित कुछ भी न व्याख्या भाव दर्पण है, हृदय का प्रेम जो है आपको सादर समर्पण है। चूंकि ये आठवीं रात चल रही है, मेहनत भी काफी हो चुकी है और अभी मेहनत होनी होती भी चली जा रही है और कई दिन से सोने को भी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी माता रानी कृपा से आपके आशीर्वाद से ये आवाज काम कर रही है। तो कहना है कि आदि में गणेश और अंत में गणेश हैं, संत में गणेश मठ महंत में गणेश हैं, यहां तक कि ओम में गणेश और व्योम में गणेश हैं, सोम में गणेश और होम में गणेश हैं। अरे ये गणेश कहां कहां नहीं है, क्यों कि ज्ञान में गणेश और ध्यान में गणेश हैं, ज्ञान में गणेश और ध्यान में गणेश हैं, मान में गणेश और सम्मान में गणेश हैं, यही नहीं और तो आकृति में गणेश कलाकृति में गणेश हैं, आकृति में गणेश कलाकृति में गणेश हैं, तो श्याम नगर खंभापुर में कीर्तन का चंचल करते श्री गणेश हैं। देखिए क्यों कि वास्तव में आज बड़ी कृपा है हमारे इस कमेटी की, हम सभी को चाहेंगे कि हमारे कमेटी वाले जितने भी सदस्य लोग हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सभी को हृदय से नमन वंदन है कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा सा कार्यक्रम दिया है और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि अब तो आप ये समझ लीजिए ये सच्चाई है पत्रकार महोदय जी, ये सच्चाई है कि धर्म के काम में अगर यहीं पर आप नौटंकी करा देते तो शायद यहाँ से वहां तक जगह न मिलती, लेकिन कोई बात नहीं है। ये तो आज इतने, इसका भी एक कारण ये भी है कि इतने कार्यक्रम आज हो रहे हैं कि निश्चित रूप से आदमी का बंटवारा हो जाता है। आइए चलते हैं। आपको एक माँ की वंदना सुनाते हैं और वंदन गीत में भी आप देखिए एक नई बात आपको मिलेगी। प्रथम स्मरण सार दे माँ का कर ले, प्रथम
प्रथम जिनकी महिमा पड़ी सर्वथा है, अप्रथम प्रीति की रीति बरसों गई बीत, मन मीत संगीत की जो प्रथा है, प्रथम सांस से सरस्वती नाम है उस माँ का, बचे से सुस्वर का न जानो प्रथा है, अप्रथा है वही मुख के जिसमें न स्वर हो, चंचल यूं कह डालो अनेको कथा है। तो देखिए, एक हम आपको फिल्मी टुकड़ा सुना रहे हैं और उसमें से भी आपको लगेगा कि वास्तव में फिल्मी टुकड़े भी किसी वंदना से कम नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, कहना है और ये हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश क्यों है, एक छोटी सी बात कहना है कि राम अवध में हिंदुस्तानी जी को भी चाहूंगा कि वो भी लाइनों को ध्यान दें कि राम अवध में, राम अवध में अक्काशी में शिव कान्हा वृंदावन में करे प्रभु देखूं इनको, दया करो प्रभु देखूं इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम, शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम लेकिन देखिए, अब आपको अभी चर्चा कर रहे थे हमारे मिश्रा जी, कह रहे थे कि साहित्य सुनना चाहिए, अब क्यों जरा ध्यान दीजिएगा, स्वर सरगम का Oh, oh, oh.
पाती सार है तू कड़कड़ का और कहना है सरस सुगम स्वर सरिता बहाती सरस सुगम स्वर सरिता बहाती ध्यान तुझे क्षण क्षण का। लेकिन देखिए शब्दों पर गौर करें, तेरे आंचल में भाव फंद ना मां हम करते तेरी वंदना। इसलिए अरे जय हो तेरी मां, जय हो तेरी मां, जय हो तेरी मां, तेरी कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अरे बद्दुआ माँ की कभी डाली नहीं जाती। अरे मेहनत मजदूरी कर, समर्थन चाहेंगे अगर बात अच्छी लगे, मेहनत मजदूरी कर एक माँ चार बेटों को पाल लेती है, अब चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। करते तेरी वंदना हो, एक लाइन आपकी सेवा में प्रस्तुत है और क्या के अनुपम अगम अनुपम अगम अगोचर हो मां और वीणा सदा बजाती तो अनुमानित अनुमान कहा कर सबकी लाज बचाती। और तो और तेरी ममता में आनंद माँ करते तेरी वंदना। कहते हैं कि दुनिया में बड़े धनवान होते हैं, दुनिया में बड़े धनवान होते हैं क्योंकि धन पाकर ही वो बड़े बलवान होते हैं। तन बल धन बल आप समझते हैं, क्योंकि धन पाकर ही वो बड़े बलवान होते हैं। अरे माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये सच है कि माँ बाप ही भगवान होते हैं। करते तेरी वंदना हमारे परम आदरणीय भैया जी सामने। अच्छा भाई रामधेव जी आपकी ओर से एक एक मुद्राएं और ये हमारे रमेश जी हैं उनकी ओर से 51 मुद्राएं प्रदान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी दानदाताओं को। लीजिए अब चलते हैं जवाबी की ओर। महासंग्राम शुरू। देखिए इसी बीच में हमारे पंकज पांडे जी भी बैठे हुए हैं, ये पुलिस लाइन से हैं,
और वास्तव में इस बार जन्माष्टमी कार्यक्रम भी इनकी कृपा से हो पाया। बड़ा ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। और देखिए सुनने भी चले आए, लेकिन मैंने बताया था कि ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, कर्म साधना चैनल में चल रहा है। लेकिन आइए चलते हैं, अभी हमारे भैया की कुछ लाइनें थी और इनके गीत के बोल थे सीधे सीधे कि दिल में चुभा जो काटा देखिए फिल्म वाले भी पता नहीं कैसे गाते हैं। मिश्रा जी कैसा कैसा गाने गाते क्या है देखिए कि दिल में भूसा जो काटा और कहां निकला वो जा निकला गुलाब में। धन है लिखने वालों को, भूसा यहाँ और निकला गुलाब में। और इतना ही नहीं, और इस गाने की अच्छाई देखिए, और आंख से छलका आंसू और गया कहाँ और जा टपका शराब में। भाई इसको यही टपकना था, अरे कहीं और टपक जाता, लेकिन शराबे में क्यों घुसा? क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए लिखने वालों को। लेकिन देखिए अभी हमारे हिंदुस्तानी जी कह रहे थे कि नियत को खेल निराले। कह रहे थे भैया कि नियत के खेल निराले और नौ सृजन करे कहां रात्रि में। अभी कहा कि नौ शक्ति पाए मानो नौ रूपों में नौ रात्रि में। यानी समय को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आपने कई रात्रियां दिखाई हैं, चलिए कोशिश हम भी करते हैं कि शायद बन जाए तो एक दो चार रातियां हम भी दिखा दें। आइए कहना है क्या? बिल्कुल, अगर जवाब लगे तो समर्थन चाहेंगे। कैसे? बिल्कुल। किस समय बड़ा बलशाली कि मानव की मानव आई। क्या बात है श्रीवास्तव जी, कि मानव की मानव आई। कैसे? मानव के हित रात्रि में। कोशिश है अपनी कि मानव की माँ आई मानव के हित नाम। देखिए यहाँ पर भी कुछ छुपा हुआ है, माँ तो आई आई तो माँ, लेकिन ये समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई आप समझ रहे हैं, लेकिन ना मैं कह रहा हूं क्या कि है देखा भाला भैया कि है देखा भाला समय बड़ा निराला। देखा भाला समय बड़ा निराला, अहो समय तो बोले
अगर समय है तो इंसान बोल पाएगा, और अगर समय नहीं है तो काम खत्म। है समय तो बोले नहीं लग जाए ताला, इसलिए है सबने माना, है सबने माना, ये कहे जमाना, माना और जमाना, है सबने माना, ये कहे जमाना, यदि ना माना है, अगर नहीं माना, यदि ना माना है तो हुआ क्या, अब क्या कहे जमाना, नहीं मानेगा तो क्या होगा, लेकिन कहना गया, क्या कहा गया, तो अहो रात्रि है आई, रात्रियां हैं इस तरह से एक रात्रि है अहो रात्रि, मिश्रा जी अहो रात्रि है आई, अरे अहो रात्रि है आई, सुन लो इस दिन रात्रि में मानव मानव है आई, मानव, अरे ये मानव के मानव मानव है आई, मानव मानव शिवरात्रि में। चलिए, एक चूंकि टाइम इज मनी, समय मूल्यवान है, एक थोड़ा आपकी सेवा में और मौजूद है, कहना है तो है कई रात्रियां, रात्रियां बताई वो तो बताई, लेकिन हम भी बता रहे हैं उनसे अलग हैं। है कई रात्रियां जो हमने पाई, और कैसे त्रिरात्रि, एक त्रिरात्रि होती है, तीन रात्रि को मिलकर एक रात्रि बनती है, उसको त्रिरात्रि बोलते हैं, त्रिरात्रि और त्रिरात्रि है आई, त्रिरात्रि है आई, लेकिन नवरात्रि जो आए, कि नवरात्रि जो आए तो इसको मानव पाए, लेकिन अशेष से कन्या जन्मी, दो कन्याएं, एक सुलोचना अब एक सुनैना, आप लोग समझ गए होंगे, तो शेष से कन्या जन्मी, जिस समय माने लपेटा अब बहुत ताकत लगा दिया, तो उनकी आंखों से शेष की दो बूंद आंसू की गिरी, अब एक बूंद से सुनैना और दूसरी बूंद से सुलोचना बनी, इसलिए तो शेष से कन्या जन्मी, हाँ शेष से कन्या जन्मी, तो सुनिए शिवरात्रि में, बहुत अच्छे, मानव मानव आई, मानव मानव शिवरात्रि, तो मानव मानव माँ आई, मानव के ही मानव मानव आई, मानव के हित